हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाइज। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाला हूँ रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी 5 प्रो। तो ये स्मार्टफोन काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा में थी, तो आज की वीडियो में करने वाला इस बॉक्स का अनबॉक्स और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा Realme 5 Pro का मेन बॉक्स। तो बॉक्स के टॉप पे आपको देखने को मिलेगी Realme 5 Pro की ब्रांडिंग, साथ में आपको देखने को मिलेगी वॉक फ्लैश चार्ज 3.0 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे 48 मेगापिक्सल आपको क्वाड कैमरा भी देखने को मिलती है स्मार्टफोन में। ये बॉक्स के टॉप पे आपको देखने को मिलेगी फ़ोन की इमेज की, आपके फ़ोन किस टाइप से आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगी। इसकी अगर डाउन साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ कलर मेंशन की गई है, इसकी कैमरा के डिटेल्स मेंशन की गई, और यहाँ पे अनबॉक्स प्राइस है इसकी 17,999 रुपीज़। और यहाँ पे ये जो वेरिएंट है ये 8GB एंड 128GB वेरिएंट है। बॉक्स के अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको Realme 5 Pro की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, टॉप पे आपको Realme की लोगो देखने को मिलेगी, और इसके राइट साइड में भी आपको Realme 5 Pro की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। अगर बॉक्स की बैक साइड की बात की जाए तो इसके कुछ EMI नंबर इससे यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ QR कोड है, और यहाँ पे डिज़ाइन बाय Realme, यहाँ पे मेड इन इंडिया। तो अब हम करते हैं बॉक्स को ओपन। तो उसके लिए चाहिए मुझे यहाँ पे नाइफ। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स की सील को कट कर लिया है। तो अब हम करते हैं बॉक्स को ओपन। तो बॉक्स को ओपन मैं कुछ इस टाइप से करता हूँ। तो यहाँ पे जो बॉक्स है वो ओपन हो रही है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स के टॉप पे आपको देखने को मिलेगी Realme की तरफ से आने वाली एक लेटर। तो यहाँ पे दिया गया है वेलकम टू Realme फैमिली। तो इस बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ तो सबसे पहले मुझे मिलता है ये सेक्शन। तो इस सेक्शन में आपको देखने को मिलती है कुछ यूज़र मैनुअल, तो इसे आप वर्क के अकॉर्डिंग आप रीड कर सकते हो, और साथ में आपको मिलता है कुछ TPU केस। तो केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको कुछ इस फिंगरप्रिंट की लोगों के लिए यहाँ पे कट दिया गया है। तो इस केस को करते हैं और साइड, और इसके और चलते हैं हमारे मेन बॉक्स कॉन्टेंट की तरफ। तो यहाँ पर आपको रखा मिलता है Realme 5 Pro स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन को अभी हम करते हैं साइड में और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स कॉन्टेंट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बॉक्स चार्जर, जो कि यहाँ पे आपके इसके आउटपुट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5V 4A, मतलब कि ये 20 वाट का आपको चार्जिंग देखने को मिलता है अडेप्टर, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जर। साथ में आपको केबल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको USB 2 USB-C टाइप केबल, तो जो कि केबल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और सबसे लास्ट कॉन्टेंट है हमारा सिम इजेक्टर पिन। तो अब हम चलते हैं मेन अपने स्मार्ट। तो ये रहा हमारा मेन स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन की सबसे पहले मैं इसकी सील को कट ऊपर रिमूव करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसके सील को इस टाइप से रिमूव कर लेता हूँ। तो इसके सील को मैं इस टाइप से रिमूव कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा मेन स्मार्टफोन। तो यहाँ स्मार्टफोन काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और बैक साइड से इसकी लुक्स जो है वो काफ़ी ऑसम लुक है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डायमंड कट फिनिश के साथ। तो यहाँ पे मैं इसकी EMI स्टिकर्स को करता हूँ रिमूव। फ़ोन की स्टिकर्स को मैं रिमूव कर चुका हूँ। तो यार फ़ोन की लुक्स जो है ना वो काफ़ी ऑसम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अगर फ़ोन की मैं फ्रंट साइड की बात करूँ, अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे अब 6.3 इंच की आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके जस्ट टॉप पे आपको वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर मैं किसी कैमरा फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 60 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। साथ ही इसके जस्ट टॉप पे आपको देखने को मिलेगा एयर स्पीकर। अगर फ़ोन की मैं लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन बट स्विच देखने को मिलेगी। जस्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा सिम इजेक्टर स्लॉट। तो यहाँ पे मैं सिम इजेक्टर पिन की हेल्प से मैं आपको स्लॉट दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिम इजेक्टर पिन को जैसे मैं इसमें इंसर्ट करूँगा तो ये स्लॉट कुछ इस टाइप से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब कि यहाँ पे आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड साथ में आपको यूज़ कर पाओगे। और अगर फ़ोन की अगर टॉप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलेगी। अगर फ़ोन की राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पावर ऑन बटन देखने को मिलेगी। अगर फ़ोन की लाइट डाउन साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 3.5mm ऑडियो जैक, माइक्रोफोन, USB पोर्ट एंड आपका स्पीकर ग्रिल। तो यहाँ पे अगर फ़ोन की बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये डायमंड कट फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और टॉप पे आपको जो क्वाड कैमरा सेटअप है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का आपका रियल कैमरा देखने को मिलेगा। जस्ट उसके नीचे दिया गया 88 मेगापिक्सल का
डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा, और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे कैमरा देखने को मिलेगी। साथ में आपको देखने को मिलता है LED फ्लैश, और यहाँ पे बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और डाउन साइड में देखने को मिलेगी Realme की ब्रांडिंग। तो अब हम करते हैं फ़ोन को बूट और देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। अब हम करते हैं फ़ोन को बूट। तो यहाँ पे मैं फ़ोन को बूट करता हूँ तो Realme पावर बाय एंड्रॉयड। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसकी सेटअप को जो कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फ़ोन की सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो फ़ोन की लुक्स जो है वो ऑन होने के बाद स्टेप्स यहाँ पे वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीलोडेड ऐप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो अगर मैं फ़ोन की नोटिफिकेशन पैनल की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको वॉलेट कलर की यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे काफ़ी कूल सा इफेक्ट देती है। तो यहाँ पे अगर इसकी ब्राइटनेस भी यहाँ पे आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। तब हम करते हैं फ़ोन की सेटिंग ऑन और देखते हैं फ़ोन में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इस फ़ोन की अगर अबाउट सेक्शन की बात की जाए, तो अबाउट फ़ोन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन रन कर रहा है इसमें 9 पाई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9 पाई काफ़ी लेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये फ़ोन यहाँ पे आती है 8GB और 28GB के स्पेसिफिकेशन के साथ। तो अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात की जाए, तो साउंड क्वालिटी काफ़ी आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला, तो साउंड क्वालिटी यहाँ पे आपको काफ़ी ऑसम देखने को मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ साउंड्स भी सुनाने वाला हूँ। तो साउंड जो है वो काफ़ी लाउड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे साउंड जो है वो काफ़ी आपको लाउड देखने को मिलेगी, साउंड में आपको बेस भी आप यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। तब हम चलते हैं इसकी मेन इसके फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की तरफ, कि वो किस टाइप से आपको काम करती है। तो सबसे पहले मैं इसके फिंगरप्रिंट को मैं इस पर इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर पासवर्ड सबसे पहले आपको देख मांगेगी यहाँ पर, तो इस पासवर्ड को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। आप देख पा रहे फेस अनलॉक जो है वो डिटेक्ट कर चुका है फ़ोन स्मार्ट। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ कि इसकी रिस्पॉन्स जो है फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट किस टाइप से वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं फ़ोन को ऑफ कर लिया, और मैं फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे इंस्टेंट रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो फिंगरप्रिंट जो है काफ़ी इंस्टेंट ओपन हो जाती है। अब मैं फेस अनलॉक की बात की जाए, तो फेस अनलॉक भी इसकी काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स है, काफ़ी फास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं फ़ोन की सेल्फी और कैमरा की बात की जाए, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ फुटेज में लेकर दिखा दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो वीडियो शूट हो रही है Realme 5 Pro के फ्रंट सेल्फी कैमरा से शूट हो रही है। तो यहाँ पे इसकी फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी वॉइस की बात की जाए, तो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है Realme 5 Pro के अपने मेन माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड हो रही है। तो वॉइस क्वालिटी भी आपको काफ़ी यहाँ से आपको अच्छी देखने को मिलेगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप एक यूट्यूबर हो और अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है इस प्राइस रेंज में। यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग कैमरा लेंस भी आपको देखने को मिलेगी, और बैटरी बैकअप की बात तो करो ही, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको वीडियो में थोड़ी सी स्टेबल नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं अभी सेल्फी स्टिक में लगा के मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बाकी आपको आइडिया लग जाएगा वीडियो को आप देखो यहाँ पे कि इसकी फोकस ऑटो फोकस किस तरीके से काम करती है फ्रंट रियल सेल्फी कैमरा से। बाकी मैं आपको इसकी बैक कैमरा से भी कुछ फुटेज में आपको सैंपल दिखा दूंगा। तो ये रही इसकी फ्रंट सेल्फी कैमरा की वीडियो क्वालिटी।
देखा Realme 5 Pro की अनबॉक्सिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्योंकि इस स्मार्टफोन में जो भी इस रेंज में स्मार्टफोन जो स्पेसिफिकेशन दे रही है वो अभी तक के किसी स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें आपको 4 क्वाड कैमरा देखने को मिलेगी। पहला कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल, प्लस 8 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल। इसमें माइक्रो लेंस भी दिया गया है, वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है। तो स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप की बात की जाए तो यहाँ पर 4035 mAh की बैटरी, जो कि आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देगी बैटरी बैकअप। और इसकी अगर चार्जर की बात की जाए तो इसमें वॉक चार्जर दिया गया है 3.0, मतलब कि आपको 20 वाट का चार्ज मिलेगा, मतलब कि आप अपने स्मार्टफोन को आधे घंटे में फुल चार्ज कर पाओगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल पर टेक्निकल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अनबॉक्सिंग की वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं कुछ नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।